अस्सलाम वालेकुम वीज, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मेरी वीडियो का वो मकसद है कि जो पाकिस्तान के अंदर ये जो लोग हैं पैसों के ऊपर टिकटॉकरों की इज्जतें लूटते हैं और इनका रेप करते हैं, फिर इनकी वीडियो बना के लीक कर देते हैं, तो दूसरे नंबर पे इसमें लड़के नहीं मुलव्वस होते, लड़कियाँ भी पूरी मुलव्वस होती हैं। वो किस तरह मुलव्वस होती हैं कि वो राज़ी होती हैं जिसकी वजह से ये काम पूरा होता है। क्योंकि हमने एक वीडियो देखी है तहकीकात इन्वेस्टिगेशन की कि जिसके अंदर मनाइल जो है वकील के पास जाती है, बोलती है कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तो जो उसके गले के नीचे निशान होता है वो पूरा जो है ना, ये निशान हमने देखा है कि जब वो दोनों मिलाप करते हैं तो उसके अंदर जो है ना ये सेटअप क्लियर हो जाता है कि इन दोनों ने मिल के जो है ना सेक्स किया, रेप किया या सेक्स किया, जो भी किया। तो उसके बाद फिर वलेला मचाना पूरे टिकटॉक पे, मीडिया पे, देखें पूरे पाकिस्तान में ऐसी बच्चियाँ भी होती हैं जो बिल्कुल जिनको पता ही नहीं होता ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर उनको भी इन्होंने इलम कर दिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक इजाज़त दे दे इन मनाइल और जो इसका हैंडलर है जिसने इसको यूज़ किया है, तो यकीन करो इसे हम ऐसा यूज़ करें कि इसका तो नज़र ही पता ही नहीं चले कि ये हुआ क्या है इसके साथ। तो मेन चीज़ ये है कि अपनी औरतों को भी आप कंट्रोल करें। कानून इस तरह कोई भी नहीं कर सकता, कानून अपना रास्ता नहीं इख्तियार कर सकता। अभी वो वकील के पीछे जा रही है, हाँ तेरे पास कोई विटनेस हो, वो विटनेस जो जिसके साथ तू दुबई गई थी, वो वीडियो में तेरी लगाता हूँ, जिसके साथ मनाइल दुबई गई थी, जिसके साथ ये बैठती उठती है और उसी से इशारा करती है इसके साथ मिलने का। तो अगर ये विटनेस मिल जाए तो इनका कभी कोई पाकिस्तान का कोई बच्चा भी टिकटॉक के ऊपर नाज़ेबा वीडियो बना के नहीं चाड़ेगा। ये बात याद रखें, कानून इतनी पावरफुल ताकत है, कानून के पास इतना अख्तियार है कि रियाज में पाकिस्तान को भी उतार के चेक कर सकता है। अगर कानून के पास इतना अख्तियार है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी एक लेटर बता के, 88 लेटर एक बता के, आर्टिकल 300, अभी तो इन्होंने आर्टिकल ही चेंज किए हुए, रद्दोबदल हो गए पहले के कानून बता, कि उन कानून के मुताबिक वो जज को भी चेक कर सकता है, वो वज़ीर आज़म को भी चेक कर सकता है, वो आर्मी चीफ को भी चेक कर सकता है। तो ये छोटे मोटे चूहे जो गलत काम पाकिस्तान में कर रहे हैं, भराइयाँ कर रहे हैं, जना फैला रहे हैं और उसमें पूरा लड़की इन्वॉल्व है, लड़की जो है ना पूरा वो उसके साथ, तू लड़की की जरूरत कैसे है, हिम्मत कैसे है कि वो जाके उसके साथ किस कर रही है, वो उसका मुंह पकड़ के उधर मोड़ रहा है और वो उसको किस कर रहा है, फिर उसके भूख के ऊपर हाथ रख रहा है। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि 313 है, यानी कि 13 व्यूज़ अभी 7 हो गए उसकी वीडियो पे, लोगों ने देखा है जिसमें वो शोर कर रही है कि मेरी वीडियो लीक होगी। तू लीक नहीं करती क्या, मजाल लीक होती, तू हरामी नहीं होती, उसके पास नहीं जाती क्या, वो तुझे चोटता क्या, तुझे चोट के वो वीडियो चढ़ाता। ये सारी वीडियो ये मामलात हैं, इन मामलात के पीछे अगर जाए तो ये सब एक हैं, एक टिकटॉक की पैदावार है और इसी से ये ऊपर आए हुए हैं, इसी से जो है वापस नीचे जाएंगे। किसी टाइम भी सरकार इसे बंद कर देगी, सरकार अभी देख रही है क्योंकि सरकार के पीछे भी बड़ी बदनामियाँ हुई हैं इस टिकटॉक पे। तो इनकी जो रोज़ी रोटी लगी हुई है ये अभी तो लगी हुई है, बातें बंद हो जाएगी, ये अपने नंबरों से आ जाएंगे, फिर वही चकले खुल जाएंगे जो पहले थे। अभी इन्होंने टिकटॉक पे चकले ले आए, पहले ये क्लोज थे। तो